मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया गेमर्स चैनल जहां बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसीज में, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं GTA 5, 7 साल पुराना गेम, 2013 में लॉन्च हुआ था, 2015 में पीसी पे आया था, वो अभी भी क्यों इतना पॉपुलर है खासकर इंडिया में। 2020 चल रहा है, और भी कई गेम्स है वो नहीं खेल रहे लोग, 7 साल पुराने और भी कई गेम्स है उनका तो कोई नाम भी नहीं लेता। GTA 5 में ऐसा क्या खास है कि लोग आज भी इसे लगातार खेलते चले जा रहे हैं, YouTube पे देखते चले जा रहे हैं? ये सवाल पूछना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग आप में से अपना गेमिंग चैनल खोलना चाहते हैं, नहीं भी खोलना चाहते हैं तो क्यों नहीं खोलना चाहते हैं, जरूर खोलिए, आसान होता है करना। उसके लिए आपको एक ऐसा गेम चाहिए जो सब लोग खेल रहे हो, देख रहे हो वगैरह वगैरह, बहुत पॉपुलर हो। उनमें से एक है GTA 5। मैंने पिछले 2 सालों में देखा है कि कई चैनल्स सिर्फ 2 से 3 साल के अंतराल में या तो 5 लाख क्रॉस कर गए हैं या फिर 1 मिलियन क्रॉस कर गए हैं, ऑल थैंक्स टू GTA 5। मतलब वो इस तरह के गेम नहीं खेलते कि स्टोरी मिशन आपको खेल के दिखा रहे हैं GTA 5 में, ना। GTA 5 के अंदर कई चीजें हो सकती हैं, जैसे कॉमन वीडियो जो बहुत ही पॉपुलर है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि वो ट्रेन आ रही है, उसके सामने कई चीजें रख दी जाती हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली क्या होगा, वो ट्रेन गुजर ही जाएगी, ट्रेन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस तरह के वीडियो हर कोई देखता है, मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं और लोग अब भी वही कर करके व्यूज भी बटोर रहे हैं, उनके चैनल बड़े होते चले आ रहे हैं। आप लोगों से भी मैंने पूछा कि GTA 5 क्यों पॉपुलर है, तो आप लोगों ने भी बताया कि ये रीजंस होते हैं। कई रीजंस से मैं आपके साथ एग्री हूं, कई रीजंस के साथ एग्री नहीं हूं। किसके साथ एग्री नहीं हूं? एक ये पॉपुलरिटी की रीजन ये बताई जा रही है कि फ्री में बटा। फ्री में तो यार अब जाके बटा है, बिल्कुल अभी बटा है, अब तक तो बिक रहा था और अच्छे पैसों में बिक रहा था, तो भी बहुत पॉपुलर है वो हमेशा से। फ्री से कोई मतलब नहीं है, और फ्री तो फिर और गेम्स भी बटे हैं। एपिक गेम स्टोर हर हफ्ते गेम्स देता है और कई बार उसने बहुत बड़े बड़े AAA टाइटल्स दिए हैं, और आज से नहीं दिए जा रहे हैं, 2017-18 में तो मैं ही आपको बता रहा था कि Assassin's Creed Black Flag 4 जो है वो फ्री में बट रहा है, वो Notre Dame जो है वो उसमें आग लग गई थी चर्च में, तो Assassin's Creed Unity फ्री में दिया गया था। तो Assassin's Creed जो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और Ubisoft उसे फ्री में देता है, लेकिन वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना GTA 5 है। Assassin's Creed का कोई भी गेम इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जितनी GTA फ्रेंचाइजी पॉपुलर है। फिर आप में से कई लोगों ने एक रीजन ये दिया है कि GTA फ्रेंचाइजी बहुत पुरानी है और इंडियंस के अंदर बहुत पॉपुलर है, यानी कि Vice City से लेके San Andreas, GTA 4 और अब GTA 5 सबने देखी हुई है। अगर कोई बिल्कुल ही 10 साल का इस समय है तो उसने GTA 5 देखा होगा, सिर्फ उससे जितनी भी उम्र वाले हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ही देखा है, या तो GTA 4 देखा होगा, और कई तो और भी पुराने हैं, जैसे कोई 20 साल का है तो उसने सब कुछ देख रखा होगा, Vice City से लेके अब तक सब कुछ देख रखा होगा। तो उन लोगों को एग्जैक्टली पता है कि GTA है क्या, एग्जैक्टली उन्हें आइडिया आया, और एक एक गेम GTA का मास्टरपीस है, तो लोगों ने वो खेला भी है या फिर उसके बारे में जानते भी हैं। तो GTA 5 को बताने की जरूरत नहीं थी कि इस गेम में क्या आने वाला है, इनफैक्ट GTA 6 में क्या आने वाला है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही आइडिया है कि कैसा होगा। वो घोड़े वाला गेम तो होगा नहीं, ठीक कार वाला ही गेम होगा, जैसी GTA फ्रेंचाइजी है कि प्रेजेंट वर्ल्ड में जो चल रहा है वैसा होता है GTA, और उसमें आप क्रिमिनल होते हो और अपना क्रिमिनल एम्पायर बनाते हो, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि GTA के अंदर क्या मिलता है। यही जमाने से चलता हुआ आ रहा, आगे भी यही चलेगा। तो GTA के अंदर एंट्री करना जो है बड़ा आसान है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, भी मैं डिसऑनर्ड खेलने जा रहा था, मेरा बड़ा मन था, उसकी बड़ी तारीफ सुन रखी थी, गेम बड़ा अच्छा है। अब उसमें थोड़ा सा लर्निंग कर्व था, अब मैं उस दिन थका हुआ था वगैरह वगैरह, मैंने गेम की बातें नहीं सुनी, फिर मुझ पर खेलना नहीं आया, फिर मैंने कहा चलो तेल लगाओ, मैं कोई और गेम खेलूंगा जो मैं खेल सकूंगा, जो आसान होगा, या फिर मैं समझ चुका हूं पहले से खेलता हुआ आ रहा हूं, डिसऑनर्ड मैंने छोड़ दिया। GTA 5 के अंदर मुझे एग्जैक्टली पता है कि कैसा गेम होगा, कैसे शुरुआत होगी। दूसरा, उसका लर्निंग कर बहुत आसान है GTA 5 का, अगर आपने नोटिस करी हो ये बात। ये मैं बहुत छोटा पॉइंट गिना रहा हूं आपको कि एक गेम कैसे पॉपुलर होता है, क्योंकि कई और गेम्स होते हैं, जैसे विचर 3 ले लो, ग्रेट गेम्स की कैटेगरी में मैं रखता हूं, लेकिन उसका लर्निंग कर बहुत तगड़ा, उसमें ट्यूटोरियल ढंग से नहीं है गेम्स के अंदर, तो आप कैसे सीखोगे, आपको यूट्यूब पे जाके सीखना पड़ता है। लेकिन GTA 5 के साथ ये ऐसा नहीं है, GTA 5 का लर्निंग कर बहुत ही आसान है, बहुत स्लोली गेम शुरू होता है, उसमें आपको बहुत कुछ याद नहीं करना पड़ता। आप ये बात समझने की कोशिश करो, जैसे डूम भी एक गेम है, आपको एग्जैक्टली पता है वो भी कोई मुश्किल गेम नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा बहुत लर्निंग कर्व है कि गन्स भी चलानी है, ग्रेनेड भी फेंकना है, ई भी दबाना है ग्लोरी किल के लिए, और अगर आर्मर चाहिए तो आपको आग भी लगानी है, तो 3-4 कंट्रोल आपको याद रखने पड़ते हैं, थोड़ा सा लर्निंग कर्व है GTA 5 के अंदर नहीं है। जो लर्निंग कर्व इतना आसान है तो आदमी खेलना शुरू कर देता है,
और फिर वो उसके अंदर पूरा समझ जाता है कि GTA है क्या। और ये आज से नहीं है, ये जमाने से ही GTA का ये फॉर्मूला रहा है कि एंट्री जो है इस गेम में बहुत आसान होगी और सबको पहले से ही आइडिया होगा कि इस गेम के अंदर मिलने क्या वाला है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि GTA 5 की पॉपुलरिटी क्यों है, क्या होता है। आप कोई भी जॉनरा उठा सकते हो, जैसे एक मिडिवल जॉनरा है जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल, जैसे आप ये कह सकते हो, जैसे फिल्मों में अगर बात करो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गई, समझ रहे हो आप, घोड़ा ड्रैगन और एक जादूगर होगा, ठीक। वैसे ही आप विचर 3 के लिए भी कह सकते हो, वो एक घोड़ा और जादू और एक योद्धा जो तलवार से लड़ता है, वो मिडिवल जॉनरा, वो भी पॉपुलर है। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो ये जॉनरा है जो GTA 5 वाला है, यानी कि प्रेजेंट वर्ल्ड आप दिखाओ जिसमें कार्स होंगी और गन्स होंगी और उसमें आप क्रिमिनल बन सकते हो, बैंक रॉबरी कर सकते हो और भी कई चीजें कर सकते हो, असैसिनेशंस कर सकते हो वगैरह वगैरह। वो जॉनरा ऐसा जॉनरा है कि आप ऐसा समझो कि मैं 100 लोगों में से पूछूं कि मिडिवल जॉनरा वाले गेम्स खेलना चाहोगे या फिर GTA 5 टाइप के गेम्स खेलना चाहोगे, तो ज्यादातर लोगों को पसंद तो है कि मिडिवल जॉनरा अच्छा होता है, लेकिन 100 में से मेरे ख्याल से 20 या 30 लोग होंगे, और हो सकता है 100 में से 100 या 100 में से 90 तो पक्का कह देंगे हाँ GTA 5 खेला जा सकता है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। और मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला खुद रॉकस्टार ने आज से नहीं 20 सालों से डेवलप कर लिया है, क्योंकि गेम वो भी बनाते हैं, आप समझो घोड़े वाला गेम उन्होंने ही बनाया है कि RDR2 है उनका, रेड डेड रिडेम्पशन 2, लेकिन उन्हें भी पता है जो सुपर पॉपुलर है वो हमारी GTA फ्रेंचाइजी है, उसका एक फॉर्मूला है। फिर आप में से कई लोगों ने ये भी कहा था कि जैसे कई लोगों ने ये गेम खेला नहीं है, ये इसकी वजह से पॉपुलर है, थोड़ा सा मुझे ना ये रीजन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गेम्स तो कई और नहीं खेले लोगों ने, वो तो नहीं है पॉपुलर, फिर GTA 5 कैसे इतना पॉपुलर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज पे बात करना चाहता हूं, क्या हम सब क्रिमिनल हैं, क्या हम सब गंदे लोग हैं, हमको ये चोरी चकारी और ये बैंक रॉबरी और दूसरों को गोली मारना और तेज कार चलाना और लोगों उड़ा देना, तो हम सब गंदे लोग हैं क्या, ये मतलब कुछ गंदा हमारे अंदर पनप रहा, हमारी परवरिश सही से नहीं हुई है, मतलब क्या चक्कर है, हमें क्यों ऐसा गेम पसंद आता है। आपको ऐसा गेम इसलिए पसंद में आता है क्योंकि आप क्रिमिनल नहीं हो, मैं भी क्रिमिनल नहीं हूँ, ना मेरी मेंटेलिटी ऐसी ना आपकी है, लेकिन हमें ऐसा गेम इसलिए पसंद में आते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना इस तरह के गेम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम फ्री हैं, हम किसी के अंडर में नहीं है, क्योंकि आप जानते हो जब से आप पैदा होते हो तो किसी के अंगूठे के नीचे ही दबे होते हो, या तो पेरेंट्स की सुन रहे होते हो, या टीचर्स की सुन रहे होते हो, या ट्यूटर की सुन रहे होते हो, फिर जब बड़े हो जाते हो तो बॉस की सुन रहे होते हो, कई लोग अपनी बीवी की सुन रहे होते हैं, अगर आप फीमेल हो तो अपने पति की सुन रहे होते हो, फिर बच्चों की सुनना शुरू कर देते हैं लोग, तो हमेशा किसी ना किसी के अंडर में रहते हो, और गवर्नमेंट और पुलिस और ये सारी अथॉरिटियां तो आपको दबाने के लिए ही बनी हुई है, ये तो फैक्ट है। वही एक गेम आता है कि इसमें आप बिल्कुल फ्री हो, जो चाहो वो करो बिल्कुल, जो क्रिमिनल जैसे आजकल जो ये नार्कोस से लेके गॉडफादर इतनी फिल्में जो सब हिट हो रही हैं, जो एंटी हीरो होता है उसे बड़ा लोग पसंद करते हैं, जो उल्टे काम करता है लेकिन हीरो है हमारा, उसको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो फ्री है, उसमें हम अपने आप को देखते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, एक एडवेंचर है, एक्शन है। और अगर आपको लग रहा हो कि ये बात समझ में नहीं आ रही, गेम के अंदर ही अगर आपको चॉइस दी जाती है, कई गेम्स में चॉइस देखी है कि एक आदमी था जो सही था लेकिन आपको उसको मानना पड़ेगा किसी ग्रेटर गुड के लिए, आप देखो कितने लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, सोचने लगते हैं, सर खुजाने लगते हैं, उन्हें बड़ा सैड फील होता है कि यार इसको मरना नहीं चाहिए था यार, बड़ा दुख हो रहा है यार, नहीं मरना चाहिए, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये एक्शन ले पाना क्यों मुश्किल हो रहा है, आप तो क्रिमिनल थे ना, आपको तो लोगों को मारना पसंद था लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, वो एम्पथी है अभी भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और टॉपिक्स भी देख लेंगे, GTA 5 क्यों इतना पॉपुलर है, बाकी गेम्स क्यों नहीं है। यही मैंने आपको रीजन बताया ना अभी कि एक दूसरी जिंदगी शुरू हो जाती है आपकी, एक आजाद जिंदगी शुरू हो जाती है जहां पर आप गैंगस्टर बन सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो, तेज गाड़ियां चला सकते हो, गोलियां चला सकते हो, और दूसरा वो थोड़ा सा रियल लाइफ के ज्यादा पास है, जैसे GTA 5 जैसी जो फ्रेंचाइजी है वो रियल लाइफ के ज्यादा पास है, विचर 3 फ्रेंचाइजी वो फैंटेसी की तरफ ज्यादा, रियलिस्टिक नहीं है इतनी ज्यादा, तो वो रियलिस्टिक गेम में एक दूसरी जिंदगी जीने का मौका मिलता है। इस पे कई और भी कई गेम्स बने, कई और बिजनेसेस भी चल रहे हैं, जैसे आज तो GTA 5 है और कई और भी गेम्स हैं GTA की फ्रेंचाइजी के, लेकिन सेकंड लाइफ नाम का एक पर्टिकुलर गेम भी है जो जमाने से चल रहा है, जिसके अंदर आप अपनी दूसरी जिंदगी जी रह सकते हो, मतलब वो तो कोई इतना हाई ग्राफिक्स वाला भी नहीं है, उसके अंदर पैसे देने पड़ते हैं चीजें खरीदने के लिए, वो अभी भी चल रहा। दूसरा, GTA 5 वाले ये जानते हैं कि जब हमारा ये सारा फॉर्मूला सारा काम कर रहा है ना, तो कोई भी ऐसी चीज मत छोड़ो जिससे कमी रह जाए, वो अपना फॉर्मूला जो है परफेक्ट करते चले आ रहे हैं, इतने साल हो गए उन्हें बनाते हुए, उन्होंने ये देखा कि GTA Vice City कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हुआ था,
मतलब सैन एंड्रियास, GTA 3, GTA 4 तो बिल्कुल ही टाइम फिस था, उन सब में GTA Vice City बड़ा अच्छा लगा। तो समुद्र के किनारे बीचेस वगैरह हैं, तो उन्होंने वो भी दिया GTA 5 के अंदर। नीला आसमान होगा, खुला खुला माहौल और एक खूबसूरत शहर है, और सिर्फ शहर नहीं, आपको सारी लैंडस्केप्स मिलेंगे, डेजर्ट्स भी मिलेंगे, जंगल भी मिलेंगे, सिटी तो है ही, सिटी के बाहर वाला इलाका भी मिलेगा, जितनी भी लोकेशंस हो सकती हैं वो सारी मिलेगी, कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। अगर आप किसी लैंडस्केप को मिस कर रहे हो कि माउंटेन्स नहीं मिले, कि झरना नहीं मिला, वो सब आपको मिलेंगे GTA के अंदर। मैं आपको एक और रीजन बताऊं कि GTA 5 क्यों इतना पॉपुलर है। जैसे गेम वाइज तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ में अगर एक बात करो आपके यूट्यूब पे क्यों देखते हो आप इतना ज्यादा, क्या है, जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा है तो उसमें कौन सी नई बात हो गई, 7 साल से वो गाड़ी चल रही है, GTA 5 2013 का लॉन्च है तो अभी भी क्यों देख रहे हो आप, इसका एक रीजन बताऊं। छोटा सा एग्जांपल लेना, आप शहर के अंदर गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, GTA 5 के अंदर, उसी को मैं कंपैरिजन करता हूं कि विचर 3 के अंदर आप घोड़ा चला रहे हो। विचर 3 के अंदर जो आपको सीन दिखाई दे रहा होगा, बीच में तो आपका घोड़ा होगा और आपके गेरल्ट ऑफ रिविया होंगे, साइड में आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, पेड़ दिख रहे होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा होगा। GTA 5 के अंदर अगर आप शहर के अंदर गाड़ी चला रहे हो तो जरा देखना आप क्या क्या दिख रहा है। रोड पे तो बहुत आपको लाइफ दिखाई देगी, कई और व्हीकल्स आ रहे हैं, आप भी जा रहे हो, लोग इतना चल रहे हैं, उनकी सबकी ड्रेसेस अलग हैं, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई और तरीके का ही लगता है, और कई तरह की बिल्डिंग्स आ रही हैं, डॉग्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सूरज ऐसे जा रहा है, जंगल में चले गए तो आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा होता है। अगर आप ये समझो कि 10 मिनट अगर मैं सीधा गाड़ी चलाता हूँ GTA 5 के अंदर, तो आपको इतनी चीजें दिखाई दे जाती हैं जिसका मतलब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, 1000 से ज्यादा, तो वो माइंड को ना लगातार चीजें मिलती रहती हैं। इसीलिए आप आज भी YouTube पे वीडियो देखना पसंद करते हो GTA 5 का, बजाय किसी और गेम के। यही एक रीजन है कि मल्टीप्लेयर गेम्स भी जो है, अगर आप स्ट्रीमिंग करना पसंद करते हो या YouTube करियर बनाना चाहते हो, तो इसलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फटाफट कुछ ना कुछ हो रहा होता है, कहीं ना कहीं गोली चल रही होती है, कहीं ना कोई मर रहा होता है, रुकते नहीं हो आप। देखो ये हमेशा से बात करते हैं हम लोग कि सिंगल प्लेयर गेम्स होते हैं, हम सबको पसंद है, लेकिन साफ सीधी सी बात है, अगर आप एक बिजनेस हो तो पैसा नहीं कमा पाओगे अगर आप सिंगल प्लेयर गेम बना रहे हो। जितना पैसा ऑनलाइन या मल्टीप्लेयर गेम बना लेंगे उतना आप नहीं बना पाओगे, इसलिए आपको कोई फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा, वो GTA 5 वालों ने ढूंढ लिया, ठीक है, उन्होंने सिंगल प्लेयर गेम ही बनाया जिसको आप खेलोगे, पूरी आदत पड़ जाएगी आपकी, और फिर अगर कहा जाएगा आपसे कि अब ये गेम खत्म हो चुका है, अब आपको लॉस सैंटोस के शहर को अलविदा कहना पड़ेगा, तो आपको बड़ा दुख होगा। होता नहीं होता है, कई गेम्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उस दुनिया को छोड़ने में बड़ा दुख होता है। अभी मैंने Assassin's Creed Odyssey खेला था, ठीक है, तो वैसे मुझे ठीक लगा, उसको मैं ग्रेट गेम की कैटेगरी में रखता हूँ, गुड गेम की कैटेगरी में रखता हूँ। अगर आप पूछोगे आई जी खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, तो मैं कहूँगा खेलना चाहिए, 75 घंटे तो मैंने डाल दिए, तो आप भी खेलो, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ग्रेट गेम की कैटेगरी में नहीं रखूंगा। लेकिन उस वर्ल्ड में भी इतनी मेहनत करी है यूबीसॉफ्ट वालों ने, इतने तगड़े ग्राफिक्स बनाए हैं, इतने अच्छे कैरेक्टर बनाए हैं, उस गेम की दुनिया को छोड़ने में दुख हुआ, क्योंकि मैं वापस नहीं लौटूंगा। मेरा खुद का भी पर्सनल उसूल है कि जब गेम खेल लिया तो आप खत्म करो, बार बार कैसे, और अभी जो कंट्रोल्स पे आपका याद है सारे कंट्रोल्स, वो आप भूल जाओगे एक महीने बाद, 2 महीने बाद सारे भूल जाओगे आप। जैसे डूम भी खेलता हूं मैं, अगर अब दोबारा खेलने जाऊंगा तो मैं वो कंट्रोल्स भूल चुका हूं, मुझे थोड़ी देर खेलना पड़ेगा तब जाके कंट्रोल्स याद आते हैं, तो वो मजा नहीं आ पाता है। तो अब ये अलविदा ही है इस दुनिया को, ठीक है, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन GTA 5 में ऐसा नहीं होने दिया उन्होंने, उन्होंने कहा सिंगल प्लेयर में मजा आया नहीं आया, लॉस सैंटोस के शहर से तुम्हें प्यार हुआ कि नहीं हुआ, लॉस सैंटोस के आसपास के इलाका जो जंगल है डेजर्ट है उससे प्यार हुआ कि नहीं हुआ, आपको बिल्कुल हुआ, बहुत मजा आया, तो कहेंगे तुम्हें अलविदा कहने की जरूरत नहीं है, इसमें लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहेगा तुम्हारे लिए, लगातार अनलिमिटेड DLCs आते रहेंगे, उसके पैसे भी नहीं देने हैं तुम्हें, वो लगातार कुछ ना कुछ होता रहेगा, अब खुश हो। लोग कहते हैं भैया खुश हैं, हम तो जाना ही नहीं चाहते थे, हमारे लिए तो कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है ना गेम में, इसलिए हम लोग चले जाते हैं। और अगर आप यही सारी चीजें काउंट करते चले जाओ, मैं वीडियो में आगे भी आपको बताता हूं, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि GTA 5 जैसा कोई दूसरा गेम है नहीं, मतलब एग्जैक्टली आपको ये मॉडल वाला गेम नहीं मिलेगा। आज से नहीं, जब से GTA 3 वाला जो सिस्टम था ओपन वर्ल्ड का वो कामयाब हुआ था, तो कई पब्लिशर्स कई डेवलपर्स ने देखा था कि इस कामयाबी को हमें भी कॉपी करना है, तभी बहुत सारे गेम्स में उनमें से कई बहुत अच्छे गेम्स भी थे, जैसे स्लीपिंग डॉग है वो उसी फ्रेंचाइजी GTA 3 वाली पे ही बेस्ड है, वो भी बहुत अच्छा गेम है। लेकिन अगर आप सही से देखोगे ना तो GTA जैसा आपको अल्टरनेटिव ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि आप ओपन वर्ल्ड बना देंगे और उसमें कुछ भी करने को दे देंगे लोग ले लेंगे ना, ग्रेट गेम बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आप ये समझो अगर ग्रेटनेस की बात हो रही है GTA 5 की, तो आप ये समझो 7 साल पुराना गेम है,
क्या आपको उसके ग्राफिक्स आउटडेटेड लगते हैं अभी भी? वहीं पे GTA मैं ब्लैक फ्लैग देख रहा था, मेरा गेम खूबसूरत है। देखो कई गेमों में क्या होता है, गेम खूबसूरत दिखते हैं लेकिन ग्राफिक्स आउटडेटेड होते हैं। ये अगर आपको परफेक्ट एग्जांपल देखना हो तो Assassin's Creed 4 ब्लैक फ्लैग है आपके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। उसके ग्राफिक जब वो लॉन्च हुआ था तभी वो आउटडेटेड लग रहे थे, लेकिन GTA 5 को देखो आज भी उसके ग्राफिक्स बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है कि अभी एक मॉडर्न गेम लॉन्च हुआ है। फिर आप कई और छोटे छोटे रीजंस भी ले सकते हो पॉपुलैरिटी के। एक तो देखो सबसे ज्यादा मार्केट किया गया, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्केटिंग तो बहुत सॉलिड है। आप ये देखो फायर कराई जो फ्रेंचाइजी है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आती, वही एक फॉर्मूला है यूबीसॉफ्ट का, वही हर गेम में वही घुसेड़े चले आ रहे हैं, नए नए गेम बनाए जा रहे हैं उसी सेम फॉर्मूले पे, ओपन वर्ल्ड वाले में और एक्सप्लोर करने वाले में। Assassin's Creed भी आता है इनकी, ये फायर कराई फ्रेंचाइजी भी आती है यूबीसॉफ्ट की, और वो कौन सा यार एक और उनकी फ्रेंचाइजी चलती है उसमें टोपी लगा के घूमता वो हैक वैक करता रहता, मुझे तो गेम का भी याद नहीं आ रहा नाम। वही सेम फॉर्मूला ओपन वर्ल्ड, उसके अंदर कुछ ना कुछ करते रहो तो वो आप ग्रेटनेस नहीं अचीव कर पाओगे ना। आप अच्छा गेम बना सकते हो नो डाउट इन दैट, फिर क्या होता जब आपने कुछ बहुत तगड़ा गेम बनाया नहीं, तगड़ा बनाओ ना बनाओ उससे मतलब ही नहीं है, मार्केटिंग तो बहुत जरूरी है भाई। फार अब देखो नया वाला फार क्राई आएगा, सब लोगों की जबान पे होगा फार क्राई 6, सब लोगों की जबान पे होगा। अभी होने वाला ऐड तो आ चुका है, अभी सब लोगों की जबान पे होगा, जैसे फार क्राई 5 के साथ हुआ था फिर सब भूल जाएंगे। अब कोई बात कर रहा फार क्राई 5 की, कोई नहीं कर रहा बात, GTA 5 की हम अभी बात कर रहे हैं। और आप ऐसे समझने को जो मार्केटिंग सिर्फ कंपनी नहीं करती है, फिर तो एक बार मार्केट कर दिया फिर तो खुद लोग मार्केट करते हैं। मैं मार्केट कर रहा हूं इस वीडियो में भी, इस समय क्या हो रहा है, एक तरह से मार्केटिंग सी चल रही है। GTA 5 कितना महान गेम है, अगर आपने नहीं खेला है तो जरूर खेलिए। आप में से कई लोगों ने पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स किए हैं वो भी एक तरह की मार्केटिंग ही तो है, सब GTA 5 की बात कर रहे हैं। जो अगर गलती से भी कोई अभी भी ऐसा प्राणी है पृथ्वी पे गेमर कहता है अपने आप को GTA 5 का नाम नहीं जानता, तो वो भी जान जाएगा कि भैया है। तो ये गेमर्स और कंपनियां मिलके जो उसकी मार्केटिंग करती है उसकी वजह से भी बहुत पॉपुलैरिटी होती है। अच्छा GTA 5 की बात चल रही है, इनफैक्ट कई और गेम्स में भी यही लागू होता है, एक टाइम हुआ करता था कि या तो गेम पॉपुलर होगा या नहीं होगा, लोगों ने खेला तो चला नहीं खेला तो नहीं चला। अब वो जमाना चला गया है, अब जमाना है इंटरनेट का, यूट्यूब का। अगर आप नहीं खेल सकते हो तो गेम देख तो सकते हो, तो वो यूट्यूब और स्ट्रीमिंग ये सब जो चीजें हैं वो भी गेम को और पॉपुलैरिटी में आगे बढ़ाती हैं। यानी कि अगर गेम कोई पॉपुलर हो रहा है, अगर कोई एक गेम है उससे कोई दूसरा गेम इतना पॉपुलर हो सकता था तो वो इतना पॉपुलर नहीं होगा, फिर वो इतना पॉपुलर होगा क्योंकि अब उसे खेलने वाले भी ज्यादा हैं और उसे देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरा एक बात कर रहे थे ना हम लोग कि GTA 5 में क्या मिलेगा, GTA 6 में क्या मिलेगा, ये आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि पुराने GTA में क्या था। तो कई लोग अभी भी जिनके पास पुराने कंप्यूटर्स हैं, पुराने से पुराना कंप्यूटर भी होगा तो अभी आप GTA Vice City खेल सकते हो, तो फोन में खेल सकते हो GTA Vice City, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा। और कई लोग जो हम लोग बहुत पहले से खेलते हुए आए हैं, 2003-04 के ज़माने से खेलते हुए आए हैं, तो हमारे लिए एक पुरानी यादें सी ताज़ा हो जाती हैं। तो GTA तो वो गेम है जो हर गेमर उठाता ही उठाता है। गेम की पॉपुलरिटी का आलम यह है कि फ्री में तो गेम बहुत बटते हैं, लेकिन जब GTA 5 बटा है फ्री में तो सर्वर्स ही क्रैश हो गए एपिक गेम स्टोर के भी, और आप में से कई लोग बड़े परेशान हो गए। जिन लोगों को फ्री में लेना था वो तो सब जाके लिए सबने ले लिया अपना, इनफैक्ट मुझ जैसे लोगों ने जो स्टीम पे भी ओन करते हैं उस गेम को वो एपिक पे भी हो गया, मेरे पास दो दो डिजिटल कॉपीज हो गई। वहीं पे कई लोगों के कमेंट्स आए आई जी मैं रह गया, मैं मेरे को नहीं मिला, बताओ मैं कैसे लूं। बड़े लोग लिटरली बहुत परेशान थे कि फ्री में बटा सबने लिया। मैं रह गया हूँ आई जी, अब मुझे भी दिलवाओ, मैं कैसे दिलवाऊँ, मैं क्या फोन करवाऊँ क्या एपिक गेम्स वालों को कि एक भैया हमारा जैसे शादी में होता है ना कि अरे एक भैया हमारा जो है ये गाड़ी पे खड़ा खड़ा जो है दारू पीता रह गया और अब खाना खत्म हो रहा है, तो वेटरों से कहना पड़ता है हाथ जोड़ जोड़ के भैया से भी खाना खिलवा दो, ये रह गया बेचारा ये लेट हो गया। वैसे ही यहाँ पे हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हमने बड़ी चतुर सिंह चिता बनने की कोशिश करी है, अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझने की कोशिश करी है कि हम पता लगाएंगे गेम की पॉपुलरिटी कैसे अचीव होती है। आप ये समझो मैं आपकी नहीं कह रहा हूं, मैं तो बहुत ही कम बुद्धि हूं, मुझे नहीं नॉलेज बिल्कुल भी, मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज है $1 बिलियन वाली कंपनीज को जो सही में ये इतने महंगे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जब वो नहीं सर्च कर पा रही कि ऐसा क्या गेम होता है जो 7 साल बाद भी पैसे कमा के देगा, तो फिर हम कैसे पता लगा लें। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे एक बार दोबारा से पूछूंगा, वैसे मैं पूछ ही चुका हूं, आप लोगों में से कई लोगों ने जवाब भी दिया है कि GTA 5 क्यों अभी भी इतना पॉपुलर है, इस वीडियो के नीचे एक बार दोबारा से बताइए।
और इस वीडियो को देखने के बाद आप किन चीजों से सहमत हैं और किन चीजों से असहमत हैं ये कमेंट्स में आप बताइए, मैं पढ़ूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया के चैनल में। मिलता हूं कुल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।